तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस तरह आप अपने फोटोज फाइल्स हाइड कर सकते हो, वीडियोज व्हाटएवर फाइल्स में सब आ जाए, फोटोज वीडियो सब हाइड कर सकते हो विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। बहुत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके सब डाटा लीक कर देती है। तो आज इस वीडियो में मैं ये सब नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिंपल बताने वाला हूँ और सभी के फ़ोन में होता है, चाहे वो MI का फ़ोन हो या सैमसंग का फ़ोन हो, सभी के फ़ोन में ये होता है। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए और जो भी आपके फ़ोटो है फाइल्स है वो सब हाइड करते भी बताने वाला हूँ। मेरे भी फाइल्स है वो आज मैं आपको प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस तरह ये फाइल्स हाइड करना है। तो फिर आप इन फ्यूचर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करोगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस तरह आप फोटो हाइड कर सकते हो विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे गैलरी में फ़ोटो नहीं है, तो अभी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे समझो मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, तो ये मैंने फोटो ले लिया और ये मुझे हाइड करना है। मैं 2-3 फोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने 2-3 फोटो ले लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 फोटो लिया है और ये चारों फोटो मुझे हाइड करना है। आपके पास पहले से फोटो हो या फाइल्स में हो या व्हाट्सअप इमेजेस में हो, इसमें भी हो, आप सब में हाइड कर सकते हो। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे आप पीछे चले जाइए और यहाँ पे ये जो फाइल मैनेजर है इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माई फाइल्स है, आपके अंदर क्या पता फाइल मैनेजर हो या अदर एप्लीकेशन हो, आप इसे देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में चले जाता हूँ और वो जो भी मैंने इमेज लिया था पहले मैं उसे कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिवाइस में DCM में कैमरा में, और ये चारों फोटो हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं चारों को सिलेक्ट कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीनों फाइल को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मैं 3 लाइन में चले जाऊँगा। 3 लाइन में जाने के बाद में यहाँ पे मूव, और यहाँ पे हमें न्यू फोल्डर बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ समझो मयूर, और यहाँ पे क्रिएट में चले जाते, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा फ्रेंड्स। अब इसमें चले जाऊँगा और यहाँ पे मूव हियर, तो ये चारों फोटो अभी आ गए। अभी मैं चले जाता हूँ उसमें और बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये दूसरा वीडियो आया है व्हाट्सअप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी चारों इमेज मयूर के नाम से सेव हो रहा था, पहले यहाँ पे कैमरा आ रहा था पर अभी यहाँ पे मयूर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पर अभी जो मैं ये बताने वाला हूँ इससे आपका सब फोटो हाइड हो जाएगा। तो आप वापस फाइल मैनेजर में चले जाइए और डिवाइस स्टोरेज में, और यहाँ पे मयूर को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से 3 लाइन में चले जाइए, और यहाँ से रीनेम, तो जो भी आपका नाम है वहाँ पे फर्स्ट लेटर आपको टाइप करना है, लेटर मतलब डॉट आपको टाइप कर देना है, जो भी आपका नाम है समझो .hyz.123.mayu.jain, तो यहाँ पे आपको बस डॉट टाइप कर देना है, और यहाँ से रीनेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर हाइड हो चुका है, अभी मैं बता देता हूँ ये फोटो हाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे ही मैंने डॉट टाइप किया मतलब डॉट मयूर, तो यहाँ पे फोटो हाइड हो चुका है। तो इस तरह आप फोटो हाइड भी कर सकते हो। अभी समझो ये जो फाइल है ये मुझे वापस लाना है, तो मैं वापस चले जाऊँगा इसमें, और यहाँ से हिडन फाइल्स सेटिंग में शो हिडन फाइल्स, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, इस पर चले जाइए, और ये जो आ रहा है डॉट मयूर, तो इस पर चले जाना है, और यहाँ पे ये जो 4 फाइल है इसे वापस यहाँ से रीनेम, 3 लाइन में रीनेम, और ये जो 1 है इसे हटा देना है, और यहाँ से रीनेम। तो अभी मैं फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रीनेम किया यहाँ पे ये चारों फोल्डर आ चुका है, चारों फोटोज़। तो इस तरह आप हाइड कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।